जो कांच है, कांच और आईना में बहुत अंतर होता है। कांच किसे कहते हैं? जिसके आर पार दिख जाए वो होता है कांच। और हमारे घर पर जो अलमारी में लगा रहता है ना, उसको कांच नहीं बोलते, उसको दर्पण बोलते हैं। जो हमारे स्वरूप को दिखा दे उसी को कहते दर्पण। सबसे पहले अपने मुख का दर्शन करना चाहिए। फिर लिखा है कि प्रातः स्मरणीय श्लोक, नित्य प्रतिदिन इन श्लोकों का जो पठन पाठन करता है उसके आयु की वृद्धि होती है, उसके धन की वृद्धि होती है, उसके अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। लिखा है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः। जो सबसे पहले सुबह उठ करके इन सातों का नाम लेता है उसको अखंड आयु की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सातों चिरंजीव है। उसके बाद लिखा है